इंडिया में बीमार होने पर जो डॉक्टर के पास आप जा रहे हो उनमें से आधे से कहीं ज्यादा डॉक्टर नकली हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से 57% ऑफ डॉक्टर्स इंडिया में बिना ही किसी मेडिकल डिग्री के ही ऑपरेट कर रहे हैं। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। सरकार की तरफ से आपको अथॉरिटी है कि ये काम कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं है। आप डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करने हैं। डिग्री डिप्लोमा है नहीं, अरे भागने को कर कर हम इंटर पास होके एलोपैथी की दवाई भी खिलाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं, सुई भी लगाते हैं। हालांकि शुरुआत में तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने तो WHO की इस रिपोर्ट को ही फर्जी बता दिया, मगर कुछ देर बाद ही सही पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने न सिर्फ ये माना कि WHO की रिपोर्ट सही थी, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि आप ज्यादातर नकली या फेक डॉक्टर्स देश के रूरल एरियाज में ही ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। लेकिन परेशान करने वाली बात तो यह है कि एक और रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में ट्रीटमेंट के दौरान होने वाली मौतों में 20% डेथ इन फेक डॉक्टर के वजह से ही होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में जहां एक तरफ जो लोग साल भर मेहनत करके नीट जैसे मेडिकल एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डॉक्टर्स बन सके, मगर फिर भी पेपर लीक हो जाने की वजह से उनका सपना अधूरा ही रह जाता है, वहीं दूसरी तरफ बिना ही किसी मेडिकल डिग्री के ये झोला छाप डॉक्टर्स खुलेआम अपने क्लिनिक चलाकर मोटा पैसा छाप रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया मार्स जितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में आज भी कई विलेजेस ऐसे हैं जहां की मेडिकल फैसिलिटी इतनी खराब है कि वहां एक भी डॉक्टर या हॉस्पिटल तक नहीं है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद सुचेतगढ़ नाम का गांव, जिसमें 200 के करीब फैमिलीज रहती हैं, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव में ना तो कोई हॉस्पिटल और ना ही कोई डॉक्टर मौजूद है। यहाँ तक कि गांव वालों को खांसी और जुखाम जैसी छोटी चीजों का इलाज करने के लिए 7 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता है। इसी गांव के एक व्यक्ति सरदारी लाल ये बताते हैं किस तरह उनके एक नेबर की मौत सांप के काटने की वजह से हो गई थी, क्योंकि उनके गाँव में एक भी एम्बुलेंस तक नहीं थी जो उन्हें हॉस्पिटल तक ले जा सकती। हालांकि ऐसा नहीं है कि सुचेतगढ़ ही इंडिया का इकलौता ऐसा गाँव है जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है, बल्कि यूपी का सोनगढ़ और तमिलनाडु का थिरुकांडलम गांव भी जो ऊपर वाले के भरोसे ही चल रहे हैं। हालांकि इंडिया ने WHO का रिकमेंडेड डॉक्टर रेशियो साल 2018 में ही अचीव कर लिया था, मगर उसके बावजूद भी इंडिया के कई रूरल एरियाज में आज भी आपको डॉक्टर्स की कमी देखने को मिलेगी, जिनका फायदा उठाते हैं इंडिया में मौजूद ये झोला छाप डॉक्टर्स जो बिना ही मेडिकल डिग्री के खुलेआम अपने क्लिनिक्स चलाते दिखेंगे। हमको ऐसी था कि नहीं डॉक्टर बनना है, प्रैक्टिस करके बनिए चाहे पढ़ के बनिए। 3 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और आपने पढ़ाई कितनी करी है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। किसमें? मैथ नर्स। पर उससे भी परेशानी की बात यह है कि ये नकली डॉक्टर्स सिर्फ इलाज ही नहीं करते बल्कि धड़ल्ले से सर्जरी तक परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि एक रिपोर्ट के हिसाब से सायनी नाम के एक गांव में राजेंद्र शुक्ला, जो कि एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं और साथ ही फर्जी क्लिनिक चलाते हैं, उन्होंने शेविंग ब्लेड के इस्तेमाल से एक महिला की C-सेक्शन सर्जरी परफॉर्म कर दी जिसमे बच्चे और माँ दोनों की ही मौत हो गई। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला 8वीं पास हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और ये ऑपरेशन कर रहे हैं। मगर गांव और रूरल एरियाज तो यूं ही बदनाम है, माना वहां के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने जागरूक भी नहीं हैं, बल्कि देश में इन झोला छाप डॉक्टर का धंधा सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ही फैला हुआ है। जैसा कि हाल ही में साउथ दिल्ली जैसे एरिया में 7 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ ये फेक डॉक्टर की सर्जरी परफॉर्म करने की वजह से हुई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कारण है कि देश में जहां पर आपके हर एक गली मोहल्ले में फेक डॉक्टर प्रैक्टिस करते मिलेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है डॉक्टर एज मनी मेकिंग मशीन। बचपन से ही जब हम लोगों से ये पूछा जाता था कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, तो हम बस दो ही नाम लेते थे, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स, क्योंकि इंडियन माइंडसेट में ये बैठ चुका है कि एक बार डॉक्टर बन गए तो लाइफ सेट है, बस एक कुर्सी पर बैठकर लोगों को पर्चे पर कुछ दवाएं लिखेंगे और पैसा ही पैसा होगा। इसीलिए इंडिया में जो ज्यादातर फेक डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं वो डॉक्टर को एक ट्रेंड या स्किल्ड प्रोफेशन की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक बिजनेस की तरह देखते हैं, और उनके लिए बिजनेस का सिर्फ एक ही एम है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, और तो और वो पेशेंट्स को भी एक कस्टमर की तरह ही ट्रीट करते हैं ताकि बाकी
बाकी बिजनेसेस की तरह वो कस्टमर से ज्यादा पैसे ऐड सके। वो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी दी गई दवाइयों से किसी का फायदा होने की जगह उन्हें नुकसान तक पहुंच सकता है। लेकिन भले ही ये फेक डॉक्टर्स का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना ही हो, लेकिन फिर भी ये झोला छाप डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज असली डॉक्टर से चीपर रेट पर ही प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए लोग बिना सोचे समझे सस्ते इलाज की लालच में इन छोला छाप डॉक्टर के चंगुल में फंस जाते हैं। जो अगली बड़ी वजह है इंडिया के रूरल एरियाज में बढ़ते झोला छाप डॉक्टर्स की, वो है लेस पोटेंशियल फॉर डॉक्टर्स। इंडिया में आज भी कितने रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पर बीमार होने पर लोग डॉक्टर के पास जाने की जगह लोग पुजारी, वैद्य और दूसरे होम रेमेडीज या होम्योपैथिक जैसी अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। हालांकि छोटी मोटी खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों में तो ये रेमेडीज भी काम कर जाती, मगर बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्हें या तो सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है जो कि या तो उनकी पहुंच से काफी दूर होते हैं या उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, या फिर वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच के गैप को फिल कर रहे इन नकली डॉक्टर के पास जाते हैं, जो रूरल एरियाज में जगह जगह न सिर्फ सेल्फ प्रोक्लेम प्राइवेट क्लिनिक ऑपरेट करते हैं बल्कि सी सेक्शन और दूसरी बड़ी सर्जरीज भी बिना किसी ट्रेनिंग के ही परफॉर्म कर देते हैं। इंडिया में हेल्थ डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस और कोई रेगुलेशन न होने की वजह से हालत ये हो चुकी है कि अब तो फेक डॉक्टर्स की सक्सेस को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस बिजनेस में उतर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फर्जी डॉक्टर के बिजनेस में उतरने वाले लोगों का इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं होता, बल्कि ज्यादातर झोला छाप क्लिनिक चलाने वाले ये फर्जी डॉक्टर्स या तो असली डॉक्टर्स के कंपाउंडर्स रह चुके होते हैं या फिर किसी न किसी और तरह से असली डॉक्टर से सीख कर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगते हैं। Years experience return to their villages and set up shop. इसके अलावा कुछ केसेस में तो ये फेक डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, जहां पर जब इन नकली क्लिनिक्स में पेशेंट की हालत सीरियस हो जाती है तो वो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल रिकमेंड कर देते हैं, जिसके लिए हॉस्पिटल्स उन्हें कमीशन तक देते हैं। हालांकि लोगों की हेल्थ के साथ हो रहे इतने बड़े स्कैम्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ी बहुत तो कोशिश करती है, तभी जाकर ये केस बस्ट हो पाते हैं। जिला प्रशासन ने फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों का इलाज कर रहे झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, जहां कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया है। जिले झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ समय समय पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन कई बार पुलिस और प्रशासन से नजर छुपाकर झोला छाप डॉक्टर मरीज की जान से खिलवाड़ करने से नहीं कतराते। मगर वहीं बिहार जैसे स्टेट्स ऐसे हैं जो अपनी ब्रोकन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के बजाय एक ऐसी स्कीम लेकर आए थे जिसमें वो इन नकली डॉक्टर्स को लीगलाइज करने का लाइसेंस बांटने जा रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। यूं तो बिहार स्टेट में 40,000 से भी कहीं ज्यादा गांव में 4,00,000 के करीब अनलाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इस तरह के झोला छाप क्लिनिक चला रहे हैं। मगर बिहार गवर्नमेंट ने NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें 5,000 रुपए फीस और 1 साल का डिप्लोमा और ट्रेनिंग करने पर इन झोला छाप डॉक्टर को कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का लाइसेंस मिल जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली इस पूरे स्कैम को लीगलाइज करने का लाइसेंस। हालांकि हेल्थ सेक्टर में इतनी लापरवाही की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बिहार गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को लोगों की जानों से खिलवाड़ और फेक फार्मासिस्ट पर नकेल रखने के लिए फटकार लगाई थी। और तो और साल 2022 में भी बिहार में बढ़ते फेक डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की कंडीशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता तक जताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम पर बिहार उन स्टेट्स में से एक है जहां ये फेक डॉक्टर्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। दवाई देते हैं? हाँ देते हैं। मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो गैर कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है।